पेपर का प्लेन उड़ा उड़ा के बेटा ये मैं सोचना पायलट बन जाओगे। सर आप रैगिंग से बचा लेना बेटा, मैं ही रैगिंग ले लूंगा तेरी। सर मैं एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाहता हूं, मैं स्पेस से रिलेटेड हर चीज देखता हूं। शिवांशु बेटा, बेटा बनने और करने में डिफरेंस है, ठीक है? यही बनने का जो आपका सपना है वैसा धरा धरा रह जाएगा अगर आप ये पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? हाँ, वरना जो रियल एस्ट्रोफिजिसिस्ट होंगे कहेंगे ए लाइन से पीछे खड़े होइए देखिएगा। ठीक है, हाँ हम भी बनना चाहते थे यही, ठीक है? ऐसे ही होगा, तो पहले पढ़ाई करिए, देखने से सब कुछ नहीं होता, ठीक है? मान लिया आपको इंटरेस्ट आ गया, लेकिन इंटरेस्ट के बाद आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, अभी स्टीवन लॉ का रेडिएशन का फॉर्मूला पूछ ले तो टाटा फिश हो जाए, एस्ट्रोफिजिस्ट बनेंगे, ठीक है? तो बेटा जो रियल वाला होगा ना भगा देगा मार के, बट प्लीज बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ओके? ऐसे तो हमने भी सोचा हम पीएम बनेंगे, ठीक है? भाई देखो पता क्या है, एक सच बात बता रहा हूँ, इंडिया में बचपन में बहुत ज्यादा फैसिनेशन होता है मतलब एस्ट्रोफिजिक्स का, ठीक है? लेकिन रियलिटी अगर आप देख लें ना भाई साहब, जॉब नहीं लगती इतनी आसानी से, बहुत मुश्किल है। हाँ, अब कईयों को पूछ रहा, अच्छा एस्ट्रोफिजिक्स लोगे करोगे क्या? इसरो जाऊंगा, इसरो में आधे से ज्यादा लगते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले सब भरे पड़े, बहुत ही कम थियोरेटिकल फिजिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वहां पर, ठीक है? पता ही नहीं है इनको भाई। तो देखो दिमाग अच्छा वाला चाहिए तो वो कम के पास होता है तो उनको वो ले लेते हैं। अब उनके दिमाग के हिसाब से बहुत सारे इंजीनियर है कि भाई चलो इन्होंने बोला है ये बनाना है तो बना दिया, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, तो पहले दिमाग वैसा बनाओ। हाँ, इंडिया में बहुत मुश्किल है, ले मत लेना बेटा। हाँ कई वो लगता है एरोनॉटिकल करेंगे, सर एरोनॉटिकल, मेरे भी कई दोस्त है जिन्होंने करी थी, आज बैठ के कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है? एरोनॉटिकल करेंगे, हाँ, क्योंकि उनको फैसिनेशन होता है ना एरोप्लेन से, बचपन में तो करके बहुत उड़ाए पहले, अब उनको लगता है भाई साहब ऊपर जाके भी यही करना, बड़े होके भी यही करना, तो करके ना बेटा बस खाली बैठ के कर रहा होगा, जॉब ही नहीं लगेगी, ठीक है? तो इंडिया में, ठीक है, अगर अनटिल अनलेस आप बहुत ब्राइट माइंड है तो इस ब्रांच को उठाइएगा, ठीक है? हाँ, पेपर का प्लेन उड़ा उड़ा के बेटा ये मैं सोचना पायलट बन जाओगे, पहली बता रहा हूं। हाँ बहुत प्रैक्टिस करिए तुम लोगों ने, ठीक है? हाँ, तो इंडिया में एस्ट्रोफिजिस्ट एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भाई साहब प्रॉपर रिसर्च करके ही ब्रांच भर देना कहीं अगर भर रहे हो, ठीक है? सिर्फ रोले के नाम के हिसाब से मत चले जाना बेटा, नाम के हिसाब से मत चले जाना, जॉब बहुत कम है वहां पर, गवर्नमेंट जॉब होती है, फिर से पेपर देना पड़ता है, पेपर की हालत तो तुम्हें पता ही है, क्लियर? राइट। अभी इनको बोल दे आपका सपना क्या है, सर हमें ना पायलट बनना है। अच्छा सैलरी तो उसमें लेकिन 70,000 की है, पर हम कोडिंग कर लेंगे तो क्या 1 करोड़ कमा लेंगे। अचानक से पैशन के जगह पर एक भाई साहब मोटी गड्डी आके बैठ जाती है इनके खोपड़ी पर, 2 मिनट में, जैसे ही बोल देंगे ना भाई साहब जॉब कम है, अच्छा तो फिर कोडिंग सीखना पड़ेगा, इसका मतलब पैशन अभी साइड में साइड करा जाए, हाँ पहले पैसा कमाया जाए, ठीक है? तो बेटा सोच के जाना, ठीक है? सारा का सारा पैशन धरा रह जाएगा, हाँ पैशन बाइक ही चला पाओगे। हाँ ओके, हाँ क्लियर, हाँ आइए। तो भाई देखो कुछ ब्रांचेज हैं जिनको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है? हाँ कौन सी ब्रांच लिख रहा है, हाँ बी सीरियस, सारे सीरियस यू मैं, हट ये इसका किसने तेरे को न्यू ईयर पे थप्पड़ मारा है वे, मतलब साल के 1 तारीख गुस्से में, हर जगह गुस्से में बैठा पड़ा है। अरे ठीक है भाई, 365 के 365 दिन सीरियस होना रहता है इंसान, कभी तो हंसेगा है? अब तेरे जैसा नहीं बनना मेरे को, हमेशा सीरियस रहो, पढ़ा तो राजा ना भी सीरियस से, ठीक है? न्यूक्लियर साइंस, हाँ बेटा तेरी शक्ल देख के ना न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भी ना जाने देंगे, ठीक है? पेपर भी छीन लेंगे तेरे से, एक पेट्रोलियम कह रहा है बेटा, पेट्रोल तो बिकेगा ही नहीं, हाइड्रोजन पे काम होने वाला आगे। चलिए आप लोगों ने ब्रांचेस सोच लिए, मतलब कॉलेज भी सोच लिया है, ब्रांच भी सोच लिया है, सब कुछ तो सोच लिया, बस पेपर दे लो यार, एक ही चीज बचा बस, है ना, है ना, बस एक चीज बचा, उसके लिए तैयारी करते चलिए। हाँ ख्याली पुलाव नहीं, ख्याली बिरयानी बना के बैठे हैं ये लोग, हाँ आ जाओ, ठीक है?
सब कुछ सोच रखा है भाई साहब, जॉब कहाँ करेंगे, कैसे घर लेंगे, कितने पैसे का घर होगा, सब सब, बस पेपर ससुरा निकल नहीं रहा। हाँ आ जाओ सर, आप रैगिंग से बचा लेना बेटा, मैं ही रैगिंग ले लूंगा तेरी। हाँ बहुत मन कर रहा, बहुत टाइम हो गया। हाँ बेटा, कॉलेज के बारे में सोच सोच के, जितने भी बच्चे सारे सोच के बैठे हुए ना, एग्जाम टाइम में आपको इस चीज का ना फल मिलने वाला। फल क्या है? स्ट्रेस, क्योंकि आपने सब चीजें प्लानिंग कर ली है, अब वो प्लान बिखरने वाला है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो मजा आएगा आप लोगों को। हाँ पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, बस आपने कॉलेज के बारे में सोच लिया है। ठीक है, तो इसका मजा आपको मिलता है एग्जाम टाइम से एक दिन पहले। हैं, मैं तो पूरी 2 साल यही सोचा, IIT बॉम्बे में हम CS लेंगे, मार्क्स हमारा 5 ही आया है, कैसे मिलेगा। तो प्लीज पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई से जो रैंक आती है, रैंक से सिलेक्शन आता है। कुछ बच्चे उल्टा दिमाग लगाते हैं, सिलेक्शन हमें यहां चाहिए तो उसके लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, तो स्ट्रेटजी देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम पॉप कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उल्टा नहीं, ऐसे है रास्ता। ठीक है, उल्टा होगे गिर जाओगे नीचे। ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर चलना है। ओके, उल्टी दुनिया बना रखी है स्ट्रेटजी, इस पे स्ट्रेटजी बताते हैं हम तुम्हें।